शहर के गांधी पुतला स्थित प्रांगण में शहर के समस्त लोधी समाज बांधव ने एकत्रित होकर वीरांगना रानी अवंतीबाई के छायाचित्र का विधिवत पूजन तथा केक काट कर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। 16 अगस्त 1831 को वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ। युवा अवस्था में उनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रम आदित्य के साथ हुआ। युवा अवस्था राजा विक्रम आदित्य का निधन होने से तथा बच्चे छोटे होने से रानी अवंतीबाई पर रामगढ़ का राजपाट संभालने की जवाबदारी आई। उस समय देश पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था। अंग्रेजी हुकूमत रामगढ़ को अपने अधीन करना चाहते थे, जो रानी अवंतीबाई को नागवर था, जिसके चलते उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से दो हाथ करने की ठान ली और अंग्रेजी सेनाओं को अनेकों बार युद्ध में हराया। इतिहासकार बताते हैं कि यहीं से 1857 की क्रांति का दौर शुरू हुआ। अंग्रेजी हुकूमत पर भारी पड़ रही वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी से बदला लेने हेतु एक बड़ी फौज के साथ उन्हें घेर लिया। लड़ाई के दौरान खुद को अंग्रेजों से घिरा देख रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की गुलामी में जीने से अच्छा अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझा। अपनी ही तलवार अपने सीने में घोप कर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। आज उसी महान पराक्रम 1857 के क्रांति की पुरोधा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती समूचे देश में लोधी समाज बांधव बड़े ही उत्साह से मनाकर उनके शौर्य तथा बलिदान को नमन कर उन्हें याद कर रहे हैं। आयोजकों ने सफलतापूर्वक सभी समाज बांधवों परिश्रम लिया। इस अवसर पर सामाजिक सैकड़ों महिलाओं ने उपस्थित रहकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 एक भारतीय महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम शहीद वीरांगना थी। यह मध्य प्रदेश में रामगढ़ राज परिवार की महिला नायिका थी। विद्रोह करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने उनके परिवार की जमींदारी को जब्त करके अन्य लोगों को जमींदार बना दिया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर विरोधी के रूप में जानी जाती है। कारा न्यूज के लिए सावनेर से किशोर डुंडेले की रिपोर्ट।